इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारे जो यहाँ पर टेक्स्ट बार बटन्स रहते हैं, यहाँ पर जो ये आते हैं, तो उसके अंदर जो हमारे कंबाइंड वेन फुल स्क्रीन वाले जो टेक्स्ट बार रहते हैं उनको कैसे ला सकते हैं हम यहाँ पर, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जितना प्रोसेस है ये विंडो 7 के अंदर होगा। तो इसके लिए जो है सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट के ऑप्शन पर जाना है, यहाँ पर टाइप कर देना है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कंट्रोल पैनल का ऑप्शन दिखाई देता है। तो कंट्रोल पैनल पर आपको जाना होगा। जैसे ही कंट्रोल पैनल पर हम जाते हैं तो कंट्रोल पैनल पर जाने के बाद यहाँ पर आप इधर आते हैं तो यहाँ पर आपको टेक्स्ट बार एंड मेन्यू स्टार्ट मेन्यू का ऑप्शन दिखाई देता है, इस पर आपको जाना होगा। जैसे आप इस पर इसको खोलते हैं यहाँ पर टेक्स्ट बार एंड मेन्यू स्टार्ट मेन्यू की प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं टेक्स्ट बार बटन ये रहे, तो ये यहाँ पर जो ये होते हैं ऑलवेज कंबाइंड हाइट लेबल्स पर लगे हुए होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर कंबाइंड वैन टेक्स्ट बार इस फुल पर लगाते हैं इसको और इसे अप्लाई कर देते हैं। जैसे हम इसको अप्लाई करेंगे यहाँ पर ये आ जाएंगे बड़े बड़े होकर, तो जो भी होगा यहाँ पर अब बड़ा बड़ा आने लग जाएगा, ये बटन जो होंगे ये कंबाइन हो जाएंगे। और इसको आप बंद करना चाहें तो यहीं से इसको ऑलवेज इस वाले ऑप्शन पर दोबारा लगाकर इसको अप्लाई कर दीजिए तो ये छोटे हो जाएंगे। तो ये प्रोसेस है इसका। अगर यहाँ पर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।